मां के आशीर्वाद के बिना संसार का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने ही हमारी विजय को संभव बनाया है मां। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकार्य का भार संभालकर संसार को सूचित कीजिए कि असुरों का अत्याचार अब समाप्त हो गया। हे परमपिता, परम प्रभु नारायण, आपकी कृपा के कारण ही आज हम सब इस शुभ क्षण के साक्षी बन पाए हैं। मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सदा सर्वदा धर्म की रक्षा करने के लिए ही करेंगे। राजेंद्र की जय। 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 गुरुदेव, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा गुरुदेव। आपने बार बार चेतावनी दी थी मुझे कि मंथन में भाग मत लेना, पर मैंने आपके सुझाव नहीं माने और अब देवताओं की श्री लौट आई, उन्हें उनकी शक्ति वापस मिल गई है और इस सबसे बढ़कर उन्हें मिल गया है अमृत। माँ, मैं आपका स्वप्न पूरा नहीं कर पाया। स्वर्ग का राज सिंहासन भी गवा दिया मैंने और इस समय देवताओं के छल बल से अधिक योगदान मेरी मूर्खता का है। पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। पराजय और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रयास जीवित है उसके लिए कोई भी पराजय अंतिम नहीं। यदि आप अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें
मेरे सुझावों का पालन करें और मन कर्म वचन से अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, तो मैं विजय श्री को फिर से आपका वरण करने के लिए विवश कर सकता हूं। और जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ और उसके अतिरिक्त बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भूल की है उसे मैं फिर नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव। आपके हर सुझाव का आदेश की तरह पालन करूंगा, आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा मैं। असुरों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा मैं। महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। प्रभु माँ, न जाने मेरे मन में भावनाओं का जोहर उमड़ रहा है। एक ओर तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ, परंतु दूसरी ओर मैं दुखी भी हूं कि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। प्रभु माँ सदैव कहती थी कि जिसका मन एक बार प्रभु विष्णु की भक्ति में रम जाए फिर और कहीं नहीं लगता। माँ के इस कथन का अर्थ आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था प्रभु, परंतु अब वैकुंठ में रहते हुए यथासंभव आपकी सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है उसका वर्णन करना असंभव सा लगता है। एक और तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं कभी ना जाऊं, परंतु तुरंत मेरा मन ये भी कहता है कि मैं अपनी माँ को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। और विशेष रूप से तब जब बड़ी मां के कारण प्रतिदिन प्रतिक्षण वो यातना और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश है। भावनाओं का ज्वार केवल तुम्हारी नहीं मेरे मन में भी उठ रहा है गुरु। जानती हूं तुम्हें अपनी मां के पास जाना आवश्यक है, किंतु तुम्हें यहां से भेजने का मेरा तनिक भी मन नहीं है। आशा की किरण की तरह मिले थे तुम मुझे जब मैं स्वामी के प्रतीक्षा में व्याकुल थी। तब मेरी आशा को सत्य में बदलने में तुमने तनिक भी कमी नहीं की थी। समुद्र मंथन जैसे विराट कार्य को सफल बनाने में तुम्हारा अद्भुत योगदान है करुण। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही है करुण, पर स्मरण रहे जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज देवी विंता को तुम्हारी आवश्यकता है, इससे तुम वैकुंठ और हमें छोड़कर जा रहे हो, पर शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। प्रणाम कहना। आज्ञा दीजिए प्रभु। मां
का झूल। क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले तुझसे मिलकर आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जाने कब से नहीं देखा तुझे। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ माँ। आपके आंचल की छाव में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। बस कर, अब अधिक बातें मत बना। तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू यहाँ आ तो गया है पर अपने मन का एक भाग वैकुंठ में ही छोड़कर आया है। सच बता, वहां की स्मृति सता रही है ना तुझे? आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है माँ? केवल मुझे ही नहीं, इस संसार की हर माँ को अपनी संतान की मन की दशा पहले ही पता चल जाती है। आ गया तू? प्रणाम महारानी। कहाँ है? तू रिक्त हाथों से क्यों आया है? मेरे भाग का अमृत क्यों नहीं लाया तू? तेरी समुष्ट देवताओं ने वचन किया था ना, यदि वासुकी ने अमृत मंथन में सहायता की तो मेरे पुत्रों के भाग का अमृत उन्हें अवश्य मिलेगा। तो फिर अमृत कहाँ है? आप कमल का फूल खिला रही हैं और आपके मुख पर मुरझाए हुए फूलों से उदासी, ऐसा क्यों देव? पुत्र के मुख पर दुखों की छाया देखकर मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आप गरुड़ के लिए चिंतित हैं ना देवी? प्रभु, आपने अपने हृदय में स्थान देकर मुझे सब कुछ दिया है, पर यदि मैं आपसे कोई उपहार मांगू तो? आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना हो मैं वो अवश्य करूंगा देवी। प्रभु, मैं विनता और करुण को दुख में नहीं देख सकती, आप कुछ कीजिए ना, उन्हें दासत्व से मुक्त करने के लिए उनकी सहायता कीजिए ना प्रभु। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मौन क्यों है? अमृत कहाँ है? महारानी, मैं चाहता तो भी आपके लिए अमृत नहीं ला सकता था और अमृत आपको नहीं मिल सकता। फिर कहने का अर्थ क्या है दास? अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही कर सकते हैं। और प्रभु का निर्णय यह है मानो कि अब से अमृत पर देवताओं का ही अधिकार होगा। यहां तक कि असुरों को भी अमृत नहीं मिला है,
कैसे संभव है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा, परंतु जो वस्तु उनकी थी ही नहीं उसके लिए सहमति देने का अधिकार भी नहीं था उनके पास। उन्होंने आपको ऐसा वचन दिया था जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। ये निर्णय केवल और केवल श्री नारायण का ही है। पता है जब राहु ने छल से देवताओं की पंक्तियों में बैठकर अमृत का पान किया तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया था। अमृत ग्रहण करने के बाद भी उसका जीवन मृत्यु से भी बुरा है। महारानी, मेरा सुझाव तो यही है कि आपको अमृत को भूलकर प्रभु के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो होना ही है देवी, पर गरुड़ के जीवन का उद्देश्य केवल दासता से मुक्ति पाना नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है मैंने। कैसा लक्ष्य प्रभु? इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक बलवान होने का वरदान गरुड़ को एक विशेष कारण से मिला, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना। सत्य प्रभु, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? गरुड़ तन से बलवान, मन से सात्विक, वो साहसी है, धैर्यशील है और अपने दायित्वों को वो अच्छे से निभाना जानता है। पर उसका सबसे विशेष गुण उसके संस्कार हैं देवी। अमृत का कलश उसके हाथों में था, किंतु तब एक बूंद पीने तक का विचार उसके मन में नहीं आया। प्रभु, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे? चलिए ना, हम उन दोनों को ये सूचना दे देते हैं। गरुड़ और विंता ये बातें सुनकर कितनी प्रसन्न होंगी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आप तो जानती हैं, मैं सृष्टि का पालनहार, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे उदर में वास करती है, और ऐसे अपनी पीठ पर मेरे भार का वहन करने के केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। उसके लिए गरुड़ का सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा और अनेक परीक्षाओं में सफल होना होगा, और उसमें से पहली परीक्षा अमृत के प्रकट होने से ही आरंभ हो गई। बस गरुड़ को उसका आभास नहीं, गरुड़ की नियति है मेरा वाहन बनना, किंतु वो समय कब आएगा इसका निर्णय ये परीक्षा तय करेगी।